जाको अपने करे बख्शीश पांका लेखा पांका लेखा ना बने या तो अपनी करे बख्शीश या तो अपनी करे बख्शीश कांता ले नागने कांता ले ਵਰਕੇ ਪਾੜਨ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਦਸ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਅੱਠਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਰਕੇ ਪਾੜਨ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਖਿੰਨ ਮੈਂ ਨੀਚ तत्काल दैदिस प्रगटावे जिन्हों ने मशहूर करना होए जिदी उन्हें सोभा करानी होवे कहिंदे इक तत्काल विच दसां दिशावां वल उन्हों प्रगट कर देंगे जिन्हों कोई जानदा ही ना होवे जां का दृष्टि तत्काल दैदिस या तो अपनी करे बख्शीश या तो अपनी करे बख्शीश लेखा को गिण नहीं सकता पाता लेखा ना गणे जगदी पूरण परम परदास
बतीत हुए हो खीरले वेले गुरु नानक एक तेरी नजर हो जाए धर्म राज तकड़ी दे एक छाबे च मेरे सौ साल दे गुनाह पाएगा जदों दूजे छाबे च तेरी एक छिन दी नजर पाएगा तेरी छिन दी नजर आला छाबा तामी भारा ही होएगा भारा ही
धर्म राय दर कागद फाड़े जन नानक लेखा समझा जन नानक जिसनु तेरी नजर ना लेखा पूछिए तेरी नजर पिताई नजर तेरी नजर नजर ना लेखा पूछिए तेरी नजर ना लेखा पूछिए जिसनु तेरी खुशी तिस नौनिद पूछिए जिसनु तेरी नजर ना लेखा पूछिए जा को अपनी करे बख्शी जा को अपनी करे बख्शी लेखा ना गणे एक हुंदा हिसाब ला ला जोड़ ला ला थोड़ा गिणत लवा तैनू रिपोर्ट ते दे दियां इहदे गुनाह पाप किन्ने ने। गुरु अर्जन देव जी कहिंदे जिहदे ते बख्शीश दा खाता खुल जावे गने गने लफज आया कहिंदे धर्म राज नूं उहदे लेखे जिहड़े ने गिणन ही नहीं दिंदा तां का लेखा ना गने जोड़ ही नहीं लाउंदा। इत्थों तक के ओदी वही दा वरका ही नहीं फुलाउणा इत्थों तक के कलम हाथ च ही नहीं धर्मराज नूं फड़न देंदा तैनू एदी गिणती करन दी लोड़ ही नहीं इहदे कोल नानक प्रेम आ गया। तां का लेखा ना गने गिणती गने दा अर्थ गिणती गिणती शुरू करन ही नहीं देंदा तां का लेखा ना गने जगदीश तां का लेखा ना गने जा को अपनी करे
प्रेम पै जावे एक प्रकरण महाराज सेवा ले रहे ने अज पंजीवां भाग है अरदास करियो 26 ते संपूर्णता हो जे जेड़े शब्द नू आधार बनाया गुरु नानक तू कौन है जय जयकार करे सब कोई आओ पहले शब्द दी हाजरी सारे कृपा करे जी कुर्बान जाए
हाजरी लाओ कि तुहानू इंज महसूस होवे ओ भी साडे विच बह के कीर्तन सुणदा ही पिया है। ऐ प्यार कर एक है गल्लां दा प्यार, एक है ओनू कोल बिठाण दा प्यार। कोल समझण दा प्यार, विच संगत हर प्रभ वसे जियो वाला प्यार। सारी संगत उस भावना विच जगह छोटी होण करके मैनू भावे दर्शन नहीं हो रहे, पर वो गुरु नानक विच ही बैठा है, वो मैनू वेखदा वे। उस प्यार दे विच सारी संगत गज के आखो सतनाम।
एक प्रकरण महाराज सेवा ले रहे हैं। जय जयकार करे सब कोई। आज पंजीवा भागे सिंधी भी गारे बनजारे भी उदासी भी सिद्ध भी रंजोली भी हिंदू वीर भी मुसलमान भी तिब्बती भी गुरु के सिख भी जड़ जूना भी बनस्पति भी ते हुण प्रकरण चल रहा है कि रिद्धियां सिद्धियां शक्तियां ते करामातां विखाउण वाले भी गुरु नानक अगे झुके उन्हूं गा रहे। साडे पिता जी कैसे सी साडे पिता जी कर आराम नहीं बहिंदे। बाबा नंद सिंह जी वाला बचन सिख की ते आराम की आखो सतनाम ते खारी की ते माण की। ये दूजी उदासी का बचन है। अज तुहाडा बाबा नानक मेरा बाबा नानक सब का प्यारा बाबा नानक अपने आराम नू त्यागदे हुए दुनिया नू ठंड पाण लई कजली बन भी गए। दुनिया नू ठंड पाउण लई माला बार भी गए ने। ये नां ने लखियां शहर अगे लिखे है दुनिया नू ठंड पाउण लई फिर अगों गुजरात गए ने। अहमदाबाद दुनिया नू ठंड पाउण लई बंबई गए। दुनिया नू ठंड पाउण लई बंबई तो महाराज सिंध गए ने। सिंध विच एक इलाका है बहावलपुर। उहदा मैं माड़ा जिहा नक्शा दसदा भी बहावलपुर विच एक पीर है उहदा नां आया बहावलदीन। लोकी उहनूं उच्च दा पीर भी कहिंदे। अपनी जिंदगी विच ए पीर जेड़ा रिद्धियां सिद्धियां ते करामातां च विश्वास रखदा। मेरे तुहाडे बाबे नानक नूं इहदे ते तरस आ गया। आखो सतनाम तरस आ गया। लिखिया समुंदर दा किनारा ए बहावलदीन मुसलमान फकीर बैठा थोड़ा जा नक्शा वेखियो। ए मुसलमान फकीर बहावलदीन बैठा का देते है मुसल्ले पे। मुसल्ला किनू कहंदे ने मुस्लिम इस्लाम धर्म विच दरी वर्गा हुंदा टोटा दरी दा जिदे ते बह के मुसलमान वीर नमाज पढ़ते। दरी वर्गा टोटा उन्हू सफ कह लो विछाई कह लो उन्हू फिर मुसल्ला आख्या। उदे उत्ते बैठा ते जदों गुरु नानक साहब उन्हां दे सामने दर्शन होए ने संगत नूं दसना चाहने आ ये बहावलदीन फकीर कोल केड़ियां शक्तियां ने कि दरी वर्गा मुसला है उहदे ते चावे ते हवा चुड़दा मुसले ते बह के ये करामत। चावे ते मुसले ते बह के ते समुंदर दे पानी दे उत्ते
ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨੂੰ ਉਡਾਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਇਸ ਫਕੀਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੱਥ ਚੁੰਮਿਆ, ਸਲਾਮ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਲਫਜ ਲਿਖੇ ਨੇ ਆਪਸ ਚ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੱਥ ਚੁੰਮ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਲਫਜ ਕਹੇ, ਆਓ ਦਰਵੇਸ਼ ਬੈਠੋ। ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਬਰੀਕੀ ਲੈਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੁਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਛਾਲ ਵੱਜੇ ਨਾ, ਥੋੜਾ ਵਖਾਵਾਂ ਬਸ ਆ ਮਾਰਨਾ ਆਖੋ ਸਾਥੀ। ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਜੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਰਾ ਵਖਾਵਾਂ ਕਰਾਂ ਆਪਣਾ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ। ਜਿਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਲਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜ਼ੋਰੀ ਚ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਚ ਕੋਈ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਪੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਦਾ ਪੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਪੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਆ ਬਰੀਕ ਜਾ ਪੜਦਾ ਹੋਮੇ ਦਾ। ਜਿਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਹਾਵਲ ਦੀਨ ਫਕੀਰ, ਆਓ ਦਰਵੇਸ਼ ਬੈਠੋ। ਆਉਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਪਿਛਲੇ ਬੰਨਿਓ ਹੱਥ ਚੁੰਮਿਆ ਪਿਆਰ। ਹੁਣ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਵਾਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮਸੱਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਹਵਾ ਚ, ਹੁਣ ਹੋਮੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲੱਗੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਰਵੇਸ਼ ਹੋ। ਇਹ ਹੋਮੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਜੀ ਫਕੀਰ ਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਰਵੇਸ਼ ਹੋ, ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੈਰ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸੈਰ ਕਰਾਈਏ। ਆਪੋ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦਰਵੇਸ਼ ਹੋ, ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੈਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਰ ਕਰਾਈਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਸਭ ਸਮਝਦੇ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਹੜਾ ਛੁਪਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਜਾਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਕੀਰ ਜੀ ਨਾ ਕੋਈ ਬੇੜੀ ਨਾ ਕੋਈ ਬੇੜਾ, ਸੈਰ ਕਾਹਤੇ ਕਰਾਓਗੇ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੇੜੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ, ਨਾ ਬੇੜਾ, ਤੇ ਸੈਰ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਕਰਾਓਗੇ। ਅੱਗੋਂ ਬਹਾਵਲ ਦੀਨ ਇਹ ਫਕੀਰ ਕੀ ਆਖਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਹੋਮੇ ਬਾਹਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਦਰਵੇਸ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਸੱਲਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਆਰਡਰ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ, ਮੈਂ ਚਾਹਵਾਂ ਤੇ ਹਵਾ ਸੈਰ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਚਾਹਵਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਰ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਸੱਲੇ ਤੇ ਬੈਠੋ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਰ ਕਰਾਵਾਂ। ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੈਰ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਨਜ਼ਾਰੇ ਸੈਰ ਦੇ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰੋ ਸਾਰੇ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਹੋਮੇ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਧੋਤੀਆਂ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ, ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦਾ ਵਾਂ, ਕਿਤੇ ਸੁਣਦੇ ਸੁਣਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਵੀ ਧੋਤੀ ਜਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ,
ਤਿਸ ਕੋਲ ਕੁਮਾਇਆ ਹੋ ਤਿਸ ਕੋਲ ਕੁਮਾਇਆ ਵਾਹ ਵਾਹ ਹੋ ਤਿਸ ਕੋਲ ਕੁਮਾਇਆ ਹੋ ਤਿਸ ਕੋਲ ਕੁਮਾਇਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ गुरमत हृदय गरीबी आवे गुरमत हृदय गरीबी आवे हृदय गरीबी आवे गुरमत हृदय गरीबी आवे हृदय गरीबी आवे गुरमत हृदय गरीबी आवे दरवेश मसले ते बैठो मैं ये मेरे आर्डर नाल है दरी वर्गा टोटा साफ दो सिखां दे नां आए ने भाई सैदो ते भाई शिया गुरु नानक साहब दे नाल ने उत्थे और लिखिया है वो दोवें सिख बड़े सहजे सहजे विच बाणी पढ़ रहे वो दोवें सहजे अपनी गुरु नानक देव आपस च गल कर रहे वो दोवें अपनी बाणी सहजे च पढ़ रहे ये बहावल दीन फकीर गुरु नानक नूं कहिंदा है आओ मेरे मसले ते बैठो मैं सैर करावां बेड़ी की नहीं लोड़ मेरे होंगे बेड़े की नहीं लोड़ मेरे होंगे बच के रहे हो जो सुन रहे हो कोई ना कोई गुण साडे च भी होंगे साडे च भी होंगे जदों किसे समय तुहाडे मुंह चों भी निकलदा है ना मेरे हुंदिया तैनू यह चिंता करन दी नहीं लोड़ समझ लेना बहावल दीन वाला औगुण साडे च मैं इस पढ़ के सुन के हैरान हो वो दोवें सिख बाणी पढ़ रहे सहजे वो अगों बहावल दीन की कहंदा है दोहां सिखां नूं कहंदा कलामा तुसीं भी पढ़दे पए हो पर जिवें मैं मसले ते बह के सैर कर रहा वां दोहां सिखां नूं कहंदा है टिक्कर करके कहंदा तुहानूं भी किन्ना चिर हो गया कलामा बाणी पढ़दे आं तुहानूं भी कोई इहो जिही शक्ति मिली है आपको साथ में एवें पढ़ी जांदे वो दोवें सिख एक पूरे मुरशद दे सिख ने जिन्हां ने साध संगत जी सहज सिख्या
टिकाओ सिख्या। देहो विमल मत सदा शरीरा सहज सहज गुण। ये नहीं भी ना नहीं बाबे नानक नूं लंबे देने शुरू करते बाबा वे टिक्चर हो गई। पढ़ते असं भी बाणी पए पर यह मसले दे बह के अपनी शक्ति विखांदा है। सानू टिक्चर कर रहा थानू इना चिर हो गया थानू ही कोई मिली थी टिक्चर की थी। गुरु नानक साहब नू कहंदा जी आओ फिर चलीए सैर करन। ते गुरु नानक कहंदे रोज जाना उन्हें मसले दे बह के समुंदर दे पानी दे रोज सैर करदा मसले दे। हां जी महाराज कहंदे जदों सैर करदे ते समुंदर च कुछ वेख्या कदी? कहंदा जी एक मीनार वेखदा मीनार बस दूरों वेख के मीनार में आ जाना। बाबा नानक कहंदे काम करी असी ते नहीं जाना तेरे नाल इत्थे बैठे हां पर अज जदों जाएगा ना मसले ते बह के ते मीनार दे अंदरों होके आई। आखो सतनाम मीनार दे अंदरों होके आई सत बचन इलम पढ़िया मुसला धरती तो उठिया दिखा रहा दोवां सिखां नूं वेखो मेरी ताकत वेखो मेरियां करामातां दिखा रहा गुरु नानक। कहिंदे जदों मुसले ते बह के ते पाणी दे उत्तों दी गया ते सोचिया भी अज मीनार दे अंदर जाणा। जदों उस मीनार दे अंदर गया ते भाई वीर सिंह जी ने लिखिया सूरज प्रकाश दे आधार ते उस मीनार दे अंदर वी बंदे बंदगी कर रहे वी शरीर बंदगी कर रहे ये भी जाके बह गया है तो बंदगी वाला प्रवेश इन्हें भी चौंकड़ा मार लिया। कहिंदे ओ बंदगी वालियां वास्ते एक एदे वास्ते इक्की थाल आए भोजन दे दरगाह विचों। ध्यान अच्छा क्या भोजन हाथ पैर सुचे कीते ते हुण सोचदा मसले ते बह के वापस जावा अपनी जगह। हुण जदों मसले ते बह के वापस जाण लगदा ना ते कहिंदे पाणी दे उत्ते अजे शुरू कीता ही है ते मसला अटक गया तुरदा ही नहीं। आखो सतनाम सारी शक्ति जिहनूं कहिंदे खिची गई खत्म हो गई। वो जेड़े भी शरीर बंदगी वाले इन्हूं जदों घंटा दो घंटे हो गए संघर्ष करदे आ भाई वीर सिंह लफज लिखे है वो भी बंदिया ने कहा तू की पानी की छाती से बैठा है। आपको साथ में तू की पानी की छाती से बैठा है घबराया फिर दे कहंदा मेरे को सीधी सी भी ए मैं मसले से बह के पानी ते हवा विच जिधर मर्जी चल जाता मेरा हूं मसला अटक गया तुरदा ही नहीं घबराया पिया मेरे अपने डुबण का डर पैदा हो गया। सुनियो आज गुरु नानक वो भी शरीर बंदगी वाले उस मीनार के अंदर रहन वाले की कहंदे है कहंदे जिस गुरु नानक दे कोलों दम मार के आया ना मसले ते बैठिया बैठिया गुरु नानक दा नाम ही नहीं सुनियो ऐ मसले ते बैठिया बैठिया गुरु नानक दा नाम ही नहीं इन्ना ही कह दे गुरु नानक तेरे दो सिखां दे चरना सदका ही मेरा मसला चल पवे। आ तोड़दा मान बाबा जकारा ढिला आया थोड़ा बाबा कहते पिट लगन दें जिन्हू टिक्चर की वेखो उथे मुल पाया। आपको सतना वो कहते गुरु नानक दे बहुत वड्डा है वो उन्हू भी आप हर वेले बेनती करनिया ही है पर जेड़ा काम थले थले ही हो जाए। आपको सतना
ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਮਸੱਲੇ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਬੈਠਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਦਮ ਮਾਰ ਕੇ ਆਇਆ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਭਾਈ ਸੈਦੋਂ ਤੇ ਭਾਈ ਸ਼ੀਆ ਤੇਰੇ ਦੋ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਦਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਸਦਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਮੇਰਾ ਮਸੱਲਾ ਚੱਲ ਪਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਦੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮਸੱਲਾ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਟਿਕੇ ਉੱਥੇ ਤਰਲਾ ਪਾਉਣਾ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ ਜੇ ਪਿੱਠ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਉਹਦੇ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ ਪਿੱਠ। ਸੰਗਤ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਬਣੇ ਰਹਿਓ ਬਣੇ ਰਹਿਓ, ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਣੇ ਰਹੋਗੇ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਹੋਵੇ ਵੱਲ ਸੋ ਕਦੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨਾ ਨਜਾਇਜ਼, ਭਾਵੇਂ ਸੌ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਕੰਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਬੜ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਦੋ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਵਧਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸਿਓ ਇਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸਿਓ ਇਹਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰ ਦੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿੱਕ ਪੈਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਮਸਲਾ ਬਣਨ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਸੰਭਾਲ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਰਸਨਾਂ ਤੋਂ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਨੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜ਼ੋਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਐ ਸੁਭਾਅ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇ। ਸੰਭਾਲ ਲੈ ਸੰਭਾਲ ਲੈ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਬੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਲਤ ਫੋਨ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਆ ਕਰੋ ਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ ਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਖੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਖੋ ਸਤਿਗੁਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮਾੜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸ਼ਰਨੀ ਪਏ ਰਵੋ,
संभाल देंदा समय उथे आज जी ये जो आया ना हूं मसले से गुरु नानक साहब कहते आ गए कहते आ गए इन्हें पता की लवज के हाथ जोड़ के नहीं किया हां जी आ गया जी की आख्या गुरु नानक जे मैं आ गया तो तेरे एहसासा के सदके आ गए जिन्हों टेक्चर की थी आपको भाई साहदो ते शी वो किवें भाई कहिंदा जी मुसल्ला मेरा अटक गया सी शक्ति खत्म हो गई सी आ दो सिखां दे चरणां विच अरदास कीती इन्हां दे सदके पहुंच गया नहीं ते अज काम खत्म हो जाणा सी आखो सतनाम इन्हां दे चरणां दे सदके आ गया गरीब शक्ति खत्म हो गई ये भाई वीर सिंह जी ने भी लिखिया ते कुछ इतिहासकारां ने भी कहिंदे ए बहावल दीन जेड़ा फकीर नू गुरु नानक साहब जी ने उत्थे ये दो पंक्तियां सरवण कराई वो पंक्तियां बड़ियां प्यारियां नहीं साढ़े भी काम आने वाली वो दो पंक्तियां गुरु नानक ने उस फकीर नू सुनाईयां जी प्यार नाल सुनाईयां ओ उलामे दिन के राती मिलन सुहास सो उलामे दिन के राती मिलन सुहास ओ उलामे दिन के राती मिलन सुहास सिफत सलाहन छट के Yeah.